ये भारत देश है, भारत देश वो देश है जहां पर मुफ्त में अगर कोई चीज मिले तो कोई उसे नहीं छोड़ता है। सोचिए अगर इसी भारत देश में आपको कोई सम्मान मिल रहा हो और वो सम्मान भी देश का सबसे बड़ा सम्मान हो, लेकिन वो शख्स उस सम्मान को लेने से इनकार कर दे, तो वो शख्स कितना धनवान होगा। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका अभी 12 अप्रैल को निधन हुआ है। देश के जाने माने बड़े उद्योगपति केशव महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं। केशव महिंद्रा जिनका रसूख दोनों सरकारों में होता था, फिर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मरतबा केशव महिंद्रा को पद्म सम्मान देने की सोची। पद्म सम्मान से पुरस्कार किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़े फख्र की बात होती है, लेकिन आप सोच सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को इस अवार्ड देने के लिए कांग्रेस और NCP ने कहा था, यानी कि बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें अवार्ड मिले और कांग्रेस NCP भी चाहते थे कि केशव महिंद्रा को ये पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन केशव महिंद्रा क्या चाहते थे वो इस खबर के पीछे, सोचिए उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने आदरपूर्वक उस वक्त के गृह मंत्री आडवाणी जी को फोन किया, क्योंकि उन्हीं के अंडर में पूरी कमेटी काम कर रही थी जिसे पद्म पुरस्कार देना था। उन्हें फोन किया और फोन करके ये कहा कि मेरे ऊपर CBI की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, मैं ठीक नहीं समझता कि ये सम्मान मुझे मिले, मेरे साथ इस सम्मान का नाम जुड़ने से इस सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं आपसे आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप पद्म सम्मानों की सूची से मेरा नाम वापस ले लें और आपका यानी कि सरकार का मेरे बारे में इतना सोचना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने इसके लिए धन्यवाद किया। भारत के इतिहास में ऐसा करने वाले ये एकमात्र शख्स थे केशव महिंद्रा। आखिर कौन थे केशव महिंद्रा? ये उद्योगपति आखिर क्यों पद्म पुरस्कारों को लेने से इनकार कर गए और इस उद्योगपति का नाम CBI की जांच में क्यों था? ये सारे जवाब देंगे आपको हमारी इस आज की खास पेशकश में। केशव महिंद्रा जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन रहे, केशव महिंद्रा वही शख्स हैं जिन्होंने जो आनंद महिंद्रा है जो अभी मौजूदा वक्त में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है उनके चाचा थे। केशव महिंद्रा भारत के एक जाने माने उद्योगपति थे। बहुत छोटी आयु में उन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और बाद में वो उसके चेयरमैन तक बने और लंबे वक्त तक उन्होंने ये चेयरमैनी संभाली है। केशव महिंद्रा के लिए कहा जाता था कि वो हर सरकार के करीब रहे हैं। उनका मिलनसार व्यक्तित्व और काम करने का जो जज्बा था वो हर किसी को हैरत में डालता था। आपको ये भी बता दें कि 1947 में उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया और 1963 में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गए और 2012 तक वो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रहे। उसके बाद आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन बने। अब इनका जांच में नाम क्यों चल रहा था ये भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि फोर्ब्स ने जो सूची जारी की थी, जो अरबपतियों की सूची जारी करी थी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की थी, उसमें केशव महिंद्रा सबसे ज़्यादा उम्रदराज अरबपति की सूची में शामिल थे। केशव महिंद्रा का नाम क्यों था इस CBI जांच में जिसके चलते उन्होंने अपने आप को पद्म पुरस्कारों से अलग कर लिया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल केशव महिंद्रा जो भोपाल में आपको गैस कांड हुआ था उसकी जानकारी तो याद होगी आपको, वो गैस कांड जो हुआ वो यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में वो एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे उस वक्त, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई तब केशव महिंद्रा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि उस बॉडी में थे, लेकिन सीधे तौर पर उनका हस्तक्षेप नहीं था उसमें। लेकिन उसके बावजूद जब ये पूरी घटना हुई, CBI की जांच बैठी, तो इसमें उस जांच में भी उनका नाम आया था और उसी नाम के चलते उन्होंने पद्म पुरस्कारों से खुद को अलग कर लिया। बाद में जब आरोप साबित हुए तब उन्हें 1984 की इस घटना को लेकर 2010 में कोर्ट ने दोषी माना था और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि बाद में कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत मिल गई और उच्च न्यायालय में उन्होंने इस मामले को रखा था जो अभी तक लंबित है। महिंद्रा ने जो आडवाणी को चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी यही थी कि इस वक्त मेरे ऊपर जांच चल रही है और पद्म पुरस्कार के लिए मेरा नाम बिल्कुल भी उचित नहीं है। केशव महिंद्रा की जिंदगी के जुड़े और भी कई अनसुने किस्से हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी पसंदीदा गाड़ियों को लॉन्च किया, फिर कई बार
उन गाड़ियों के ऊपर कॉपीराइट के मसले भी उठे और वो हर जगह पर लड़ते रहे और उन्होंने महिंद्रा को विदेशी गाड़ियों के सामने समकक्ष न सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि आज महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन जैसी तमाम कई गाड़ियां हैं जो महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू बनी हुई है और ये सब केशव महिंद्रा के विजन से ही सक्सेसफुल हो पाया। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताइएगा।